कोशिशों पे कोशिश जो लगातार करता है सही मायने में जीत लाहसी हकदार वही बनता है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं और एक ऐसा कैरियर सुनना चाहते हैं जो आपके भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर हो, तो आज मैं आपको इन सभी चीजों से रूबरू कराऊंगी। सो वेलकम टू कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। सो इस कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लाने का मेरा मकसद ये था, मुझसे बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज एक कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करिए। सो आज मैं इसे आप लोगों को इससे रूबरू करा रही हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, मतलब पीजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक की बात करूं, तो इतना हर एक स्टूडेंट तो पढ़ता ही पढ़ता है, उसके बाद की बातें अलग होती हैं। तो इसमें एजुकेशन शब्द बहुत बार यूज होता है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन। तो व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एजुकेशन? सबसे पहले तो आज हम लोग ये समझ लेते हैं, एजुकेशन का मतलब होता है दैट इज अ मीट बाय अ टू टर्म दैट इज अ एजुकेयर एंड केशन। सो बोथ टर्म्स आर ए लैटिन टर्म, ओके। सो दोनों ही टर्म्स लैटिन टर्म्स होते हैं एंड द लिटरली मीन ऑफ एजुकेशन टू बी अ ब्रिंग अप, टू बी अ ब्रिंग अप। एंड केशन मीन्स दैट इनवर्ड एक्टिवेशन इज शो और ए डेवलप। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन का मतलब ये होता है अपने आप को, अपने अंदर को, जो भी आपके विचार है उस एक्टिविटी को बाहर प्रदर्शित करना, टू ब्रिंग अप, टू डेवलप अप। ये लैटिन टर्म है और इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। तो आज हमें एजुकेशन का मतलब जब ये पता चल गया, एजुकेशन खुद करती है कि अपने आप को डेवलप करो, तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जब हम लोग 10th में होते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि हमें बायो स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है कि हम मैथ स्ट्रीम से करना चाहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट एज ए बायो स्ट्रीम इसको सेलेक्ट करते हैं। टू बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, बायोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि मैं इसे पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, इसलिए टू बीइंग अ सच अ बायोलॉजिस्ट पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी। और इसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं, आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, इसे रद्द कर देना चाहती हूँ, सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शन है, अब हम लोग कैरियर ऑप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शन होता है, जो सबके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है, वो होता है नीट। नीट ऑल इंडिया लेवल पर एक मेडिकल टेस्ट है जो बेसिकली बच्चों को उस स्तर पर ले जाता है कि वो डॉक्टर बन सके या उसकी ऑल मेडिकल कैटेगरी में अपने आप को सर्व कर सके। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उन स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलर हैं, उन स्टूडेंट के लिए जो मेहनत के दम पर स्कॉलर बनते हैं और इस एग्जाम को पास करते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है नीट। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहला स्टेप है कि अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसे एक बार नीट में जरूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लगती है। बिल्कुल सही बात है, फीस बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी होती है तो ऑल इंडिया लेवल पे जो लगभग 7 से 6 मैं बात करूं एप्रोक्स नंबर जो है बेसिकली, वहां पे जो एम्स हैं, अगर वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता तो मात्र 5,500 रुपीज आपकी फीस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। ये सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक। इसी में एमबीबीएस है, ठीक है, वो तो सबसे अच्छा है ही। उसके बाद एक
ये कहते हैं डेंटोलॉजिस्ट फील्ड बहुत अच्छी है। मैं ऐसा खुद पर्सनली मानती हूँ कि डेंटोलॉजिस्ट जो फील्ड है बहुत अच्छी है। अगर आपकी मान लीजिए मेरिट उतनी अच्छी नहीं है, आपको ये फील्ड मिल रही है, यू कैन ट्राई। उसके अलावा अगर मैं दूसरी फील्ड की बात करूं, तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो बहुत अच्छा चांस दे रही है, बहुत बढ़िया है, आप इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा भी अपने आप में बहुत अच्छा एक, मैं ये कहूं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है। मैं साथ ही साथ बताना चाहती हूँ, जो इसको क्वालिफाई करता है अपनी पढ़ाई करे, ठीक है, MBBS करे, फिर उसका स्पेसिफिक MS करे, उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट क्या कहते हैं कॉलेज में, ठीक है, प्रोफेसर भी बन सकता है, या वो चाहे तो एज ए मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकता है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी कर सकता है। कहने का मतलब है, जो एक चीज होती है कि हम पढ़ लिख करके पैसे अर्जित करें, धन अर्जित करें, वो सबसे ज्यादा इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना। साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं, उसे भी हम लोग कर सकते हैं। डर्मोलॉजिस्ट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप लोग, तो डर्मोलॉजिस्ट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसे जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसे फील्ड हैं मेडिकल नीट के रेफरेंस में। जस्ट अ मिनट, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये हो गया। अब करियर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 की भी बात करते हैं भाई, कि मान लीजिए बहुत से बच्चों को इंटरेस्ट नहीं भी होता है, या उन्होंने ट्राई किया नहीं भी निकला, दोनों बातें हो सकती हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखिए मैं बताऊं, अब यहां पे मैं इसको इसलिए दूसरे नंबर पे बच्चों रख रही हूं, मेरा मानना है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन करने से भी आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, कम से कम आपको 10-15 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे आराम से। वो जो करियर अपॉर्चुनिटी होती है, वो हम बोले BMLT की, यानी कि हम बात करें लैब टेक्नीशियन की। सो हर एक यूनिवर्सिटी वेलकम करती है BMLT के मतलब एस्पायरेंट्स को, कि आए, कुछ एंट्रेंस होता है, कहीं डायरेक्ट लेते हैं, और इस तरीके से अपने कानपुर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ, जैसे इस बार का है, तो वो डायरेक्ट लेंगे, लेकिन आपको इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन, तब आप LT में आ सकेंगे। लैब टेक्नीशियन के बाद आपके लिए लैब पैथोलॉजी लैब है, उसमें आप काम कर सकते हैं, और इस पैथोलॉजी लैब में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये मैं आगे का जो सेगमेंट है वो मैं लिख के बता रही हूँ, क्योंकि जो इंटरनल बैकअप से मेरा सेकंड सेगमेंट डिलीट हो गया, वो रिकवर नहीं हो रहा है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, जो ऑप्शन नंबर है करियर का, तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो वो है BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग का भी एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, बच्चे इसको ले सकते हैं, और इसमें दो तरीके से GNM एंड ANM, तो दोनों ही मतलब इसमें आता है, स्टाफ नर्सिंग का भी आता है, और जो एज ए फील्ड वर्क में रहते हैं उसका भी आता है, तो दोनों तरीके से यहाँ पे होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो ऐसे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड में अपने आप को सर्व करना चाहते हैं, ठीक है, मेडिकल में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए मैं ये बताऊं, डायरेक्ट एडमिशन भी है, ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट भी है, तो जैसी आपकी सुविधा है वैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप शुरुआती तौर पर 10,000 से 15,000 रुपए तक कर सकते हैं अर्न, और उसके बाद इससे ज्यादा भी अर्निंग हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन है करियर के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ, तो बेटा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डेट इज अ बायोटेक। तो बायोटेक
जो है उससे दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले आपकी इंजीनियरिंग, फिर होता है आपका बीएससी। तो दोनों ही काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाले सब्जेक्ट हैं, अपॉर्चुनिटी इसमें फील्ड बहुत ज़्यादा है। और इससे इंजीनियरिंग अगर करते हैं और बीएससी करते हैं तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होते हैं कभी कभी दूसरी सिटी में होते हैं, तो इस बात को ध्यान देना। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और अच्छी है, और बीएससी के क्षेत्र में एक लेवल पे है, आप उस पर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन आप फार्मेसी वगैरह में भी जा सकते हैं, फार्मेसी का मतलब आप बी फार्मा डी फार्मा भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से है आप करने को, ये भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में कि भाई मेडिसिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, चाहे वो आयुर्वेदा हो या इंग्लिश वाली हो, तो कैसे हो रहा है या कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है और इसकी शुरुआत भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप ये कैरियर भी चुन सकते हैं, इसके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन होता है और मैं ये कहूँ एंट्रेंस भी होता है। तो जैसे जैसे आपकी सुविधा हो वैसा वैसा आप काम कर सकते हैं। सिक्स अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं बताना चाहती हूँ वो अपॉर्चुनिटी है जो हर मिडिल क्लास फैमिली कर सकती है, ठीक है, और मैं इसे कहती हूँ बीएससी बायोलॉजी। सो एक नॉर्मल मतलब जो फैमिली से हैं वो बच्चे बीएससी एमएससी कर सकते हैं, और इसको करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि सबसे कम पैसों में होती है, आपकी अगर मेरिट अच्छी है तो आपको उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप दोनों काम कर सकते हैं। इससे जो पर्पज़ है वो क्या है, और मैं ये बता दूं इस फील्ड में आपको पैसे भी बहुत मिलता है। आप एक मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, अब यहाँ पे मेडिकल फील्ड कैसी, आप एमआर बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, साथ ही आप टीचिंग करियर को कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है, इवन आप अगर बहुत अच्छी पीक में जाएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये भी आपको मिल सकते हैं। और टीचिंग की यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती है, लो लिमिटेशन, आप कितना अच्छा कमा सकते हैं, कितना अच्छा आपकी टैलेंट है वो उस पर डिपेंड करता है, आप इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी के स्ट्रीम के लिए ये अपॉर्चुनिटी तो अलग है, फील्ड तो अलग है, लेकिन अगर वो इसे करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बीबीए के बारे में बताना चाहती हूँ, भाई बीबीए भी बहुत अच्छा होता है। बीबीए में अगर किसी अच्छे कॉलेज से आप करते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बीबीए से अगर आप एमबीए करते हैं तो बहुत बढ़िया है, उससे अगर प्लेसमेंट मिलता है या आपके अंदर टैलेंट हो तब भी आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये होता क्या है, मार्केटिंग सेक्टर का काम है, और मार्केटिंग में एक फ़ायदा ये होता है कि आज जो चीज़ें हैं डिमांडेबल हैं, डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें पैसे कमाने की सीमा नहीं है, शुरुआत हर चीज़ की छोटी होती है। अगर मैं और करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मैं बात करूंगी बीसीए कंप्यूटर साइंस की, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज जो इंटरनेट की बेटा दुनिया है उसकी अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट की दुनिया में ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपर, ठीक, तो इस तरीके के बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो वेब डेवलपर बन करके आप कर सकते हैं। और एक पीक पर अगर आपने एमसीए भी कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप 60 हज़ार पर मंथ कमा सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ये सोचे कि तुरंत ही नहीं, धीरे धीरे होगा, अगर आपका टैलेंट अच्छा है तो आपको हो सकता हो इनिशियल स्टेज में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटी थी, और आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करियर अपॉर्चुनिटी दी है।
सो आई होप कि आज की क्लास या मैं ये कहूँ करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आज का करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बायोलॉजी का स्टूडेंट कोई भी इससे वंचित ना रह जाए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट टू वॉच दिस एंड थैंक्स अगेन। कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।